नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि JPSC जो 7 से 10 तक की एग्जाम कंडक्ट करवाई थी वो काफ़ी विवादित रहा है, और आज एक महीना से भी ज़्यादा हो गया JPSC पे डायरेक्ट हमेशा स्टूडेंट्स जो विवादित क्वेश्चंस रहे हैं या फिर चाहे रिजल्ट की बात हो, तो कंटिन्यू एक महीना से स्टूडेंट्स हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी JPSC की तरफ से कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा था। लेकिन आज JPSC ने ये खुद माना है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और 7 से 10 तक की JPSC जो कंडक्ट करवाई थी मैंने, उसमें मेरे से गलती हुई है। और उन्होंने ये मुख तौर पे नहीं, इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसकी एक नोटिस अपलोड की हुई है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं भी आपको इसको पढ़ के सुनाऊँगा और उन्होंने क्या गलती एक्सेप्ट की है तो ये चीज़ मैं आपको भी बताऊँगा। तो देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि एक चीज़ आप मान के चलिए, अब 100% तय है कि अब JPSC जो है वो कैंसिल होगी, क्योंकि ये घोटाला नहीं, महा बड़ा घोटाला हुआ है। ओके, तो मैं आपको पूरा चीज़ में इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। तो उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि झारखंड JSSC और JPSC की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ताकि मैं आपको आराम से किसी भी एग्जामिनेशंस के आपको वीडियो लेक्चर हमारे चैनल के माध्यम से आप सुन सकते हैं। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कि JPSC की काला कारतूस आप उसके साथ भी बताएं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो नोटिस है ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया हुआ है, लिखा हुआ है देखिए, टू बी अपलोडेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया गया है। तो देखिए, विद रेफरेंस टू 7 से 10 JPSC जो कंडक्ट करवाई थी PT ऑफ द फ्लोइंग ब्राउड टू बी नोटिस, इट इज नॉट वर्दी दैट द अनप्रेसिडेंटेड 535,535 कैंडिडेट हैड रजिस्टर्ड, इसके एग्जाम्स के लिए जो 7 से 10 तक JPSC कंडक्ट करवाई गई थी उसमें से 535,521 स्टूडेंट हैं जो रजिस्टर्ड किए थे, उसमें से जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था वो 3,69,327 स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, और फाइनली जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में बैठे थे वो 2,49,650 स्टूडेंट हैं जो इतना ये बैठे थे। अकाउंटिंग फॉर नियर अबाउट द 5,00,000 OMR सीट ऑफ दिस फिगर वाज नियरली ऑफ 4 times ऑफ द एनी प्रीवियस एग्जामिनेशन, ये जो बता रहे हैं कि जितना भी OMR सीट आया था, जो जितने भी अभी तक एग्जामिनेशन हुए हैं JPSC का, उससे 4 गुना था। ओके, ये तो बात बताई है कितना स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर हुए थे, कितना स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड किए थे, मेन मुद्दा नीचे है। ओके, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप भी देख लें अच्छी तरह से। देखिए, लिखा हुआ इन दिस करेंट PT आउट ऑफ, यानी कि जो स्टूडेंट्स इतना अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में, 2,49,650 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन, देयर विल बी 57 सच होम OMR सीट वॉज नॉट अवेलेबल एट JPSC। ये इन्होंने लिखा है कि जितना स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन दिए थे 2,49,650, उसमें से 57 स्टूडेंट ऐसे थे जिसका OMR सीट JPSC को मिला ही नहीं, एक नंबर को इन्होंने बताया कि एक नंबर को मुझे मिला ही नहीं। ऑल दीज 57 कैंडिडेट हैव बीन शोन एट प्रेजेंट ऑन द सीट, जो भी अटेंडेंस सीट रहता है उसमें से इन लोग को शो किया गया है। आने की मैं बता दूँ साफ शब्दों में कि 57 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंट थे, लेकिन JPSC के पास उसका OMR सीट पहुंचा ही नहीं, आने की बीच से ही वो OMR सीट गायब हो गया। ओके, ये 1 नवंबर को बता रहे हैं, जिस दिन एग्जामिनेशन का रिजल्ट पब्लिश हुआ उस दिन का। ओके, तो ये बता रहे हैं, दिस वॉज नॉट अ फॉल्ट ऑफ द 77 क्वेश्चन, ये बोल रहा है दिस वॉज नॉट द फॉल्ट ऑफ 57 कैंडिडेट इन क्वेश्चन, ये फॉल्ट 57 स्टूडेंट्स का नहीं है, ये तो JPSC का घोटाला यही है। आप समझ जाइए, 57 जो स्टूडेंट्स हैं उसका OMR सीट भी सही गायब हो जाता है, वो एग्जामिनेशन देते हैं वहाँ तो प्रेजेंट दिखाता है, या तो प्रेजेंट हैं वहाँ की नहीं तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इन्होंने बता रहे हैं कि प्रेजेंट है, हो सकता है वहाँ एब्सेंट हो, उसको प्रेजेंट शो कर दिया गया हो। ओके, तो आगे लिखते हैं, इन दिस इंटरेस्ट ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड कैनॉन्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इन ऑर्डर ऑफ डेट नॉट डिले इन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू अलाउ कैप 49 ऑफ द कट ऑफ द मार्क्स एंड डिक्लेयर देम क्वालिफाई प्रोविजनली एंड रिमेनिंग 8 कुड नॉट बी डिक्लेयर क्वालिफाइड ड्यू टू द अदर वैलिड ग्राउंड ऑफ पार्टिकुलर केस। उन्होंने लिखा है कि जितने भी 57 में से 49 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर दिया गया है,
अब देखिए इसमें बड़ा घोटाला क्या हुआ है कि 57 स्टूडेंट्स में से 49 स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, क्वालिफाई कर दिया, और जितने भी बचे थे 8 स्टूडेंट्स उसको डिसक्वालीफाई कर दिया। अरे भैया, अब वहाँ जब एग्जामिनेशन में प्रेजेंट ही नहीं था, मान लो प्रेजेंट ही रह भी गया, आपके पास ओमारशीट है ही नहीं, तो उसे आप क्वालिफाई कैसे कर देते हैं? देखिए इसमें कितना बड़ा धांधली हुआ है पीएससी में। सो आगे लिखता है अन इंक्वायरी, इन्होंने इसलिए क्वालिफाई कर दिया, इन्होंने ये भी लिखता है, उसका रीजन देता है कि इसलिए क्वालिफाई कर देता है क्योंकि ताकि एग्जामिनेशन के रिजल्ट में डिले ना हो। उसलिए तो अगर आप हम और आप भी एग्जाम में नहीं बैठे रहते तो आप भी क्वालिफाई हो जाते। ओके, तो लिखिए नेक्स्ट में फिफ्थ पॉइंट लिखता है अन इंक्वायरी वाज एस्टिमेटेड इनटू द मैटर, एक इंक्वायरी इसमें बैठा दिया गया है 1 नवंबर को, इटसेल्फ सो दिस कैंडिडेट कुड बी रिसॉल्व एट द अर्लियर, और इसे बहुत ही जल्दी सॉल्व किया जाएगा। आगे लिखता है सिक्स में द इंक्वायरी हैज शोन कम टू कंक्लूजन ऑफ द बेसिस दैट फैक्ट दैट नन ऑफ दीज 49 कैंडिडेट हैव बीन फाउंड टू क्वालिफाई एंड देयर रोल नंबर हैज बीन फॉलोज, इन्होंने बताया ये सब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई नहीं किए गए हैं। जो अभी कमेटी जो बैठाई थी इंक्वायरी के लिए, उन्होंने पाया कि ये सब स्टूडेंट्स को क्वालिफाई से डिसक्वालीफाई कर देना चाहिए, और ये सब स्टूडेंट्स हैं जिसका रोल नंबर है, जो वहाँ अब्सेंट थे और अब्सेंट थे या प्रेजेंट थे तो अभी तो क्लियर ही नहीं है, जेपीएससी बता रही है कि प्रेजेंट थे, लेकिन ये सब फिर स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, ये डिसक्वालीफाई कर दिया। सिंस दिस कैंडिडेट वर बी गिवन द इक्वल टू द कट ऑफ एंड देयर रिमूवल ऑफ डज नॉट बी चेंज द कट ऑफ, और इन्होंने ये भी बोला है कि ये सब स्टूडेंट्स जो 49 स्टूडेंट्स हैं जिसको रिमूव कर दिया गया है अब, और उसका अब क्या होगा, उससे कोई भी कट ऑफ चेंज नहीं होगा, इन्होंने ये साफ कहा है। तो आप चीज़ इसे अनुमान लगा सकते हैं कि जेपीएससी सिर्फ घोटाला ही नहीं, ये बहुत बड़ा घोटाला किया है। अगर आप सच्चे जेपीएससी के स्टूडेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि इसके प्रति आप ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक पहुँचे और इसे बहुत जल्द ही रद्द किया जाए, तो इस वीडियो को मैं लाइक करता हूँ कि आप 10,000 लाइक जरूर कीजिएगा और हर एक स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को फैलाइए। ओके, ताकि इसके काले कारतूस का पता चल सके कि जेपीएससी ने किस तरह से इसमें धांधली किया है। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर कोई अगली अपडेट आती है तब मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।